पार्ट भी है द सेक्टर ऑफ अ सर्कल अ पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल ये मैंने इस तरह से याद किया है सेक्टर के आखिर में आर आ रहा है तो दोनों साइडों पे दो रेडियस हैं टेंजेंट टू अ सर्कल अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज स्ट्रेट लाइन विच टच इज द सर्कमेंस एट वन पॉइंट ओनली द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज ऑल्सोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन द फिगर लाइन ए बी इज टेंज टू दर्कल जब टेंजर पढ़ लिया तो सीकंड पढ़ लेते हैं सर्कल है को दो पॉइंट पे द इनस्क सर्कल विच टच इज द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरनली इज नोन एज इन सर्कल और इन सर्कल के रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस और इन सर्कल के सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर द सर्कम स्क्राइब सर्कल द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिस ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज सर्कम सर्कल यानि कि उसके पॉइंट्स को जो कोनों को है टच करता हुआ जाता है सर्कल और ऐसे सर्कल के रेडियस को कहते हैं सर्कम रेडियस और इसके सेंटर को कहते हैं सर्कम सेंटर द एस्क्राइब सर्कल द सर्कल टचिंग वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड टू प्रोड्यूस साइड्स इंटरनली इस कॉल्ड एसक्राइब सर्कल और ई सर्कल ऐसे सर्कल के सेंटर को कहते हैं ई e सेंटर और इसके रेडियस को कहते हैं ई रेडियस क्वेश्चन नंबर टू द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागॉन इज थ्री सेंटीमीटर मैयर इट्स पैरामीटर बहुत ही आसान है ऑक्टागॉन कहते हैं जिसकी आठ साइड्स हो और रेगुलर मीन्स के ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ तो अगर एक साइड की लेंथ है थ्री सेंटीमीटर तो पूरे पैरामीटर की लेंथ होगी एट मल्टीप्लाई बाय थ्री सेंटीमीटर यानी कि ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर क्वेश्चन नंबर थ्री राइट डाउन द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगल सप्टेंडेड बाय द साइड ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगॉन एट सेंटर ऑफ द सर्कल फार्मूला है थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाय एन यानी जितनी भी साइड होंगी उससे डिवाइड कर देंगे थ्री सिक्सटी को अभी कुछ एक्जाम्पल्स देख लेते हैं ट्राइंगल है उसकी थ्री साइड होती हैं तो वन एटी डि थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाई थ्री वन ट्वेंटी डिग्री क्वाड्रिलेटरल है तो थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइड बाई फोर नाइन्टी डिग्री इसी तरह पेंटागॉन के लिए फाइव से डिवाइड कर देंगे हेक्जॉन के लिए सिक्स से हेप्टॉन सेवन ऑप्टेगॉन एट नानागॉन नाइन एंड डेकागॉन टेन से डिवाइड कर देंगे लास्ट क्वेश्चन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागॉन इज फाइव सेंटीमीटर मैर इट्स पैरामीटर ये बिल्कुल ही क्वेश्चन टू की तरह का है पेंटागॉन होता है जिसकी फाइव साइड्स होती हैं और रेगुलर पेंटागॉन यानी रेगुलर का मतलब होता है सारी साइडें इक्वल हैं तो अगर एक साइड की लेंथ है फाइव सेंटीमीटर तो पांच साइडों की लेंथ होगी फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव सेंटीमीटर इक्वल टू तो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अगर आपको किसी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में इन्फॉर्म करें हम उस चैप्टर को एनिमेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर अपलोड करेंगे